धर्मपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर क्षेत्र में अतिवृष्टि व बाढ़ पीड़ितों को सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में अतिवृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी है। वहीं नर्मदा और नदियों में आई बाढ़ के कारण कई मकान दुकान ध्वस्त हो गए, जिससे क्षेत्र में प्रभावितों का बड़ा नुकसान हुआ है। विधायक मेड़ा ने कहा कि आज प्रभावित लोग स्वयं ही कैंप लगाकर रहने को मजबूर बने हुए, जिसके पास न खाने पीने की व्यवस्था है न ही शासन की तरफ से कोई उचित व्यवस्था की जा रही है। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। आज ज्ञापन हमने इस उद्देश्य से दिया कि नर्मदा पट्टी में जो धर्मपुरी नगर में डूब प्रभावित लोग आते थे, उनकी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, किसानों की फसलें जो नष्ट हुई उसके बारे में हमने ज्ञापन दिया है। और धर्मपुरी से लेकर हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो भी सरदार सरोवर डूब से जो प्रभावित लोगों के मकान डूबे थे, उनका सही मुआवजा हो और उनको सही उचित मुआवजा मिले, ताकि उनको उनकी जीवन शैली सुधरे। यहाँ से बल हतनावर से लेकर के सुलगांव से लेकर के बलवाड़ा तक कई पंचायतें ऐसी है जिनको अभी तक मकान नहीं रहने के लिए, मकान ध्वस्त हो गए पूरे, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं रही, कपड़े लत्ते की व्यवस्था नहीं रही। ये सब बातों का ज्ञापन देने के उद्देश्य से आज हम यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र भाई पाटीदार जी, नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर जाउल साहब और सभी हमारे वरिष्ठों के साथ में किसान नेता देवीलाल भाई। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।